we will be reading your last poem of your reader book called the polar region that is poem number five okay and you will be getting to know about the polar regions today that's an interesting poem let's see what does it say let's uh, start the poem right away okay now. polar regions are full of ice and snow that means पोलर रीजन आर फुल आइस एंड स्नो दैट द कंसिस्ट ऑफ आइस एंड स्नो ओके पोलर रीजन का मतलब क्या होता है पहले आई विल टेल यू दिस थिंग दैट वी हैव अर्थ वी हैव एक्सेस वी हैव साउथ पोल वी हैव नॉर्थ पोल सो द एरिया नियर द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द पोलर रीजन एंड द एरिया नियर द साउथ पोल इज कॉल्ड पोलर रीजन अगैन ओके and polar regions are quite full of ice because they get the least amount of sun okay polar regions are full of ice and snow the temperatures there are very low so chilly and bitter it is bitter is the climate summers there are always very late we get to know that the poet is telling that there the

बेटर ओके आई थिंक इट शुड बी बिटर बिटर मीन्स बिटर कोल्ड का मतलब होता है जहाँ पे आप यू नो बाइटिंग कोल्ड होता है उसको हम बिटर कोल्ड कहते हैं आई थिंक ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे बेटर इज द क्लाइमेट सो चिलियन बेटर इज द क्लाइमेट बेटर नहीं हो सकता दिस ओके समे समझ देर आर ऑलवेज वेरी लेट वहाँ पे समर्स कभी नहीं आते एक तरीके से दर दे डोंट हैव समर्स समर्स इवन इन दे हैव वेरी चिली एंड वेरी आइसी यू नो दैट फ्लो सो समर्स आर वेरी लेट द सनलाइट देयर इज रादर स्कैस स्कैस का मतलब होता है बहुत ही कम स्कैर्स का मतलब होता है नामात्र जैसे हम हिंदी में नामात्र कहते हैं उसको हम इंग्लिश में स्केयर्स कहते हैं द मीन्स वेरी लेस ओके All right. The blizzards are angry and fierce. Blizzards का क्या मतलब होता है children? They are severe uh, snowstorms with high winds. Okay. Blizzards. Please remember this word. That means ice storm. यानी कि बर्फीले तूफान. बहुत angry होते हैं fierce होते हैं. Okay. एंग्रेन फ्यर्स का मतलब जैसे कि वेन पोलर रिजन डजन कंसिस्ट ऑफ मेनी पीपल ओकेर आर वेरी फ्यू पीपल हु लिव देयर नाउ फ्यज इन दैट दे कैन रियली टेक अवे एवरीथिंग विद दम दे कैन रियली टेक अवे दे आईज ऑल्सो विद दम द एस्कमोज लिव इन देर टाइनी ग्लोव वेरिंग हुड जैकेट एंड बिग शूज नाउ द एस्केमो एस्केमोज आर दीपल who live in polar regions they are called eskimos okay they live in tiny igloos igloos are ice house right we all know that they wear hood jackets hood means the cap okay hood means the cap jacket okay and big shoes they wear hooded jackets and big shoes there are they may use हार्प स्पूं ओके यू कॉल इट यून से हार्पन्स इट्स हार स्पूंस ओके लुक्स लाइक अ स्पीयर स्पीयर क्या होता है भाला होता है उसको हम स्पीयर कहते हैं हिंदी में ऐसे करके होता है ना भाला जिसमें आगे एर ओ लगा होता है पीछे आम, वो होता है डंडा होता है उसको हम एक हारपूंस जो होता है इट्स लाइक अ टूल लाइक दैट विच इज़ यूज टू हंट यूज टू हंट To kill those large polar bears, the animals are the Arctic fox, bears, and ermine. Ermine, a small weasel like animal with a white coat. Okay, it's a polar region animal. Ermine is a polar region animal with their ability to adapt, they survive just fine. Now, किसकी एबिलिटी टू तो अडैप्ट है यहाँ पे दी मोस्ट एबिलिटी टू सी द नेक्स्ट पेज इन द ओल्डर देश लिव द लैप विथ फरी क्लोथ एंड फरी कैप आर्टिक इज अ कॉन्टिनेंट फ्री इट इज होम टू अर डियर दक्षिण गंगोत्री ओके okay? ना इसका क्या मतलब हुआ चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ फोकस इन दिस यहाँ पे अभी तक हम पोलर रीजन के बारे में पढ़ रहे थे अभी uh, हमें द पोएट संचित सलूच इज टेलिंग दैट इन दी ओल्ड डेज देवर लैब्स ओके विथ फरी क्लोज इन फरी गैप्स एंटार्क्टिका इज़ अ कॉन्टिनेंट फ्री यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं है. एक कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका चिल्ड्रेन हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे एंड इट अ फ्री कॉन्टिनेंट नो बडी हैज़ अम इंड बडी डूल ओवर देयर ओके एंड इट इज द होम टू अ दक्षिण गंगोत्री जिसे हम दक्षिण गंगोत्री कहते हैं वो एंटार्क्टिका में से ही आती है ओके सो दैट्स द पॉइंट टू रिमेंबर योर And that's how we end your poem today. Children, I want all of you to learn your word meanings here and uh, try to solve your exercise also. We will discuss exercise tomorrow. So please watch the video again and again and uh, try to learn the meaning of the poem. Okay, we will write the summary of the poem also. Now you know how to write a summary, I've already told you. All right, children, that's it for today. Thank you so much.